आगे रखना जैसा रखा हुआ था, उल्टा रख, उल्टा 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 उल्टा। फिर मुझे ध्यान आया कि ले आना ही ले आना नहीं है, लाना भी है टैंक। बस ऐसे में फंसा। अब तुम बैठ जाओ। इतने ही आ रहे है? दो तो ये। चलो अभी हमें जाना है देवप्रयाग। ये पल्सर 150 की टंकी है, टैंक होता है जो, इसको रिप्लेस करने के लिए जाना है अभी, क्योंकि हम पे एक पल्सर भी पड़ी हुई थी। चल, हम पे एक पल्सर पड़ी हुई थी यार, तो उसको रिबिल्ड कर रहे हैं। रिबिल्ड क्या कर रहे हैं, उसका टैंक ख़राब था, तो टैंक को सिर्फ रिप्लेस करने के लिए हम लगभग 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे एक और पल्सर है, उसका टैंक निकाल के लाना है यार। अब मिलता कहाँ है ऐसे, पुरानी वाली पल्सर किसी पर है ही नहीं। पुराना वाला मॉडल है 2005 का। बस देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। स्कूटी की खास बात यही है कि भागती नहीं है, फुल थ्रॉटल दे रखा है पूरे रास्ते में। थ्रॉटल कम करने क्यों है, स्पीड ही नहीं, स्पीड जाती नहीं आगे यार। पता नहीं क्या चीज़ है, स्कूटी भी बनी हुई। यार देखो देवप्रयाग तो पहुंच गए हम, अभी आधा घंटा लगा हमें पहुँचने में। अब यहाँ से देवप्रयाग से ऊपर हम हटो सांड, ये देखो मेन हाईवे से ऊपर है अभी हम। जो शिखर भाई है उनके किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं हम, उन पे भी पल्सर है पुरानी, तो उसकी जो उसका जो टैंक है वो निकाल के रिप्लेस करने जा रहे हैं अभी हम। नीचे सीढ़ियों से नीचे। अबे तो बंद के लिए क्यों बोला? मैंने क्या बोला? मैंने बंद मत करना, मैंने नहीं बोला ये, मैंने ये बोला बंद मत करना। बैठो तो, चलो चलो। मुझे बोला बंद और आगे पे चढ़ाई, कितना फ्रॉड इंसान है। तो देखो ये रहा देवप्रयाग पूरा, और अभी हम यहाँ आए हैं टैंक चेंज कराने के लिए, मतलब रिप्लेस कराने के लिए फ्री पॉकेट में। ये रहा वो टैंक। तो ये देखो इसका टैंक निकाल दिया अभी। अब इसमें जो लगेगा, ब्लू मडगार्ड, रेड पीछे से और ब्लैक टैंक, तीनों कलर की बाइक निकलेगी है। अब दोनों टैंक निकल गए, इस वाले को यहीं लगा के ये वाला ले आना है। अबे पेट्रोल गिर रहा है किसे यार, बताओ, लाखों का नुकसान कर दिया वहाँ। तो बाइक को देखो, ब्लैक ब्लू रेड तीनों कलर का कॉम्बिनेशन बन रखा है मस्त एकदम। अब देखो टैंक निकाल दिया है, पेट्रोल भी निकाल दिया थोड़ा। अब इसके बाद बचा है क्या, बस टैंक पकड़ के वापस श्रीनगर ले आना है उस पल्सर के लिए। और फिर थोड़ी सी जुगाड़बाजी चलेगी ताकि वो फिट आए प्रॉपरली। हमारा काम इतना ही था, अब इसके बाद जो काम है वो है मैकेनिक का। चलो इसे लेके चलते हैं, इस टंकी को लेके श्रीनगर। हो गया, पूरा गंदा भयंकर छी। चलो चलो कोई नहीं, गिरेगा तो कोई नहीं, उठा देंगे यार। छी, मेरे ग्लव्स गंदे हो रहे हैं यार। अबे यार एक कपड़ा दे दो यार, कोई अंदर होगा, ये तो बहुत ही गंदी है, मेरे पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वैसे गंदे ही है, साफ तो है नहीं, पर फिर भी और गंदे हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें सीधे पहले यार कहीं खाने के लिए, यहाँ पे बस मैं ज़रा ऐसे ही जा रहा हूँ किसी काम से, थोड़ा घूम, जब आए हैं तो घूम के भी निकलते हैं। आजकल तो वैसे भी ड्राइवर बन रहा हूँ मैं, बस गाड़ी ही चला रहा हूँ, अपना काम कुछ नहीं है, ऐसी बस प्रॉपर ड्राइवर। ऊपर ऊपर ऊपर, अबे ऊपर, अबे ऊपर, यहाँ पे। तो यार चलो देवप्रयाग से भी हम निकल गए, अब टैंक वगैरह लेके जो छोटा मोटा काम था इधर उधर का वो सब कंप्लीट हो गया। अब सीधे चलते हैं श्रीनगर गढ़वाल। बड़ा ही जंगली ड्राइवर है जो एक कार वाला है, और जिसको बोलते हैं रैश ड्राइविंग की हद पार करना, वो इस कार वाले के अंदर है। वो कुछ नहीं देख रहा, कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा, चलना देखो उसका पहले, उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई ठोके, पता नहीं ऐसा कि हम स्मगलिंग कर रहा साला जो इतना तेज पका रहा है। अरे मैं भी तो उसी के बराबर पका रहा हूँ वैसे। ज़्यादा ही खा दिया यार आज, खाना पीना तो हो गया। हाँ
बंदर। ओह एक से एक लोग भरे हुए गिर गए। वो बोतल का निकाल लो। हैं बोतल का निकाल लो। बोतल का क्या है? क्या बोतल? उधर चलना है यार। अबे तो यार देखो पहुंच गए अभी हम, और ये है वो पल्सर जिसके लिए हम टैंक लाए इतने दूर से, और टैंक अंदर ले गया यार वो। अब इसका टैंक वगैरह सब जुड़ेगा, ये एकदम हमारे शाम के गेड़ी मारने के लिए बाइक बनेगी। देख रहे हो कितनी एपिक है। 2005 कितने की है? 2005 की। मतलब गाड़ी बहुत बढ़िया है, बस ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। तो यार वापस से देखो मैं अपनी बुलेट में आ चुका हूँ, और स्कूटी दे दी है। तो स्कूटी लेके अभी उसके घर जा रहे हैं लौंडे के, जिनसे ली थी स्कूटी, हितेश भाई से। हितेश भाई की स्कूटी उनके घर में छोड़ने वापस जा रहे हैं अभी हम। तो चलो यार मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज का काम तो बस यही था मेन, तो टैंक लेके आना था देवप्रयाग से। अपनी गाड़ी तो अभी सही है एकदम, और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी बिल्ड हो जो वो पल्सर है पुरानी वाली, बस उसका टैंक बढ़िया करके लग जाए, पूरी गाड़ी सही हो जाए, तब शाम के लिए बढ़िया है यार वो गाड़ी। और जिस हिसाब से फ्यूल का रेट है उस हिसाब से तो बहुत सही है। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइज़।